समर्थन में दिल्ली के 360 गांवों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और मंत्री गोपाल राय और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज पहलवानों के समर्थन में शामिल हुए। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आप विधायक बीएस जून और जन प्रतिनिधियों से बातचीत की। हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने, हम आपको बताएंगे क्या कुछ उनसे बातचीत की गई। देखिए, लगातार जो समर्थन है वो मिल रहा है विपक्षी दलों का भी इन खिलाड़ियों को, और साथ ही साथ जो खाप पंचायतें हैं वो भी समर्थन दे रही हैं। और क्या कुछ रहा इसी पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने, आप भी देखिए। पर पहलवानों के समर्थन में आज 360 गांव के जो प्रतिनिधि है वो पहुंचे थे, साथ में गोपाल राय और तमाम विधायक भी पहुंचे हैं। बीएस जून है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक है। बीएस जी, किस तरह से इस प्रदर्शन को देख रहे हैं? लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये प्रदर्शन है जो पहलवानों का चल रहा है। देखिए, अगर नहीं करते हैं तो ये कहा जाएगा इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। आज हमारी पार्टी गांव देहात सारा आया है, इनको समर्थन दे रहा है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसमें कांग्रेस के भी सपोर्टर्स हैं, नीचे नीचे भाजपा के भी सपोर्टर्स हैं इस प्रदर्शन में। दूसरी बात यह है कि कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने गेंद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में डाल दी कि अगर वो कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा ही नहीं मांगा। प्रधानमंत्री कहेंगे या पार्टी कहेंगे तो मैं इस्तीफा मांग लूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? एक नेशनल टीवी पे, नेशनल चैनल पे जो लैंग्वेज ब्रजभूषण आज मतलब यूज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही इन लड़कियों के बारे में कि अगर आप सुनेंगे तो ये आप सोचेंगे भाई ऐसे ऐसे सांसद हमारी पार्लियामेंट में है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बहुत से एलिगेशन लगे, एंकर ने पूछा तो बोलते हैं मैं कोई शिलाजीत की रोटी थोड़ा खाता हूँ। तो ऐसी लैंग्वेज यूज करना एक सांसद को शोभा नहीं देता। दूसरे, आपने देखा अभी तक FIR सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में करनी पड़ी, आज तक 164 का स्टेटमेंट नहीं हुआ मैजिस्ट्रेट के सामने। जो एग्रीव्ड लड़कियां हैं, माइनर लड़की है, आज तक ब्रजभूषण सिंह को बुला के पूछताछ नहीं की, क्यों नहीं कर रहे? उल्टा वो इनको धमका रहा है नेशनल चैनल पे जाके, और धमका रहा है कि ये लोग चले जाएं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये कंडीशनल बात क्यों करता है? तो इनको समर्थन देना हर आदमी का, हर नागरिक का एक मतलब दायित्व बनता है, और इसी के सिलसिले में आज हम आए हैं और आगे भी इस प्रोटेस्ट को हम जोर शोर से उठाएंगे। प्रवेश वर्मा बीजेपी सांसद है, वो कह रहे हैं हाईजैक करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को। यार, आम आदमी पार्टी तो खुल के आज सामने आई है, बीच में हमारे नेता आते रहे, सीएम साहब भी आए थे। प्रवेश वर्मा ने आज तक इसको शॉर्ट आउट क्यों नहीं कर दिया? किसने रोका था? प्रवेश वर्मा इसको शॉर्ट आउट कर देते, क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्यों? कि 2024 में उसका समर्थन यूपी में चाहिए, जिसकी वजह से उसके खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं लाना चाहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अल्टीमेटली उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं, 7 तारीख की बात कही जा रही है कि महापंचायत होगी 7 तारीख को। यहाँ हम भी पंचायत यही करेंगे, गांव में भी करेंगे, अलग अलग पंचायत है। और भाई, आप तो हमने करना है। अब ये तो बिना बात जातिवाद फैला रहे हैं। जाति कुछ नहीं है, पहलवान की जाति अलग होती है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो हिंदुस्तान का है, मेडल जाता है हिंदुस्तान के लिए, वो रंगपुरी में हिपालपुर के लिए नहीं जाता, वो पूरे देश के लिए जाता है। बिटिया हमारी, मेडल देश का, तो उसमें जात पात कहाँ से आ गई? और गांव में भी अब हमारे जितने भी घर होते हैं, किसी भी जाति की लड़की हो, हम उसको सम्मान करते हैं, शादी ब्याह में भी उसका सम्मान करते हैं। जो किसी भी कास्ट को, हम उसमें जो नहीं देखते फिर ये कौन से कास्ट की है, समझो, वो हमारे हिंदुस्तान की है, हमारी। और भी लोग हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उन पहलवानों? पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हालांकि FIR हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए ब्रजभूषण को। देखो बेटा, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि भाई जब पोक्सो एक्ट लग जाता है तो पोक्सो एक्ट में डायरेक्ट जो है अरेस्ट होती है, लेकिन उस आदमी का कोई ना कोई तो कारण है। ये गवर्नमेंट या मीडिया या पुलिस क्यों नहीं सोच रही कि उसको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये किसी पार्टी, उसका नाम मेरा एक पार्टी से क्या संबंध? मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र आज 72 साल है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, हमने लोगों को पढ़ाया है, लड़ना सीखना सिखाया है, इसमें किसी जाति पाति का उसका कोई मतलब ही नहीं है, न किसी पार्टी का मतलब है। ये तो पूरा सामाजिक है, सबको हम कहेंगे कि हमको हमारा कोई सबसे आम पार्टी है उससे थोड़ी है, सब सोशल वर्कर हैं, हम बच्चियों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। और वो सरेआम चैनल पर कह रहा है कि मेरा 7 तारीख को मैं टर्म खत्म हो रही है, मैं तीसरा चौथा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो तू क्यों इन बच्चों को तंग कर रहा है? छोड़ जाए, इसका मतलब वो पार्टी से चाहता है कि पार्टी उसको कहे कि जब मैं छोड़ूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को लूज कर रही है इस उसमें सिस्टम में, और इनको न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, तो आज 360 गांव के जो प्रतिनिधि है
वो यहाँ जंतर मंतर पहुंचे थे इनका समर्थन करने, जो पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। पहलवान मांग यही है कि कार्रवाई हो ब्रजभूषण पे और पद से इस्तीफा दे। और अब आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि 7 तारीख को एक महापंचायत बुलाई जाएगी सभी गांवों की, और जिनके प्रतिनिधि यहाँ शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।